एल्बम के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहोगे इस एल्बम के थ्रू, आप क्या क्या बता रहे हो और क्या है ये? एक्चुअली इट्स अ मेलोडियस गजल दिस कंपोज्ड बाय मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। टुडे इज वेरी हैप्पीएस्ट डे फॉर मी बिकॉज आफ्टर लॉन्ग वेटिंग दिस माई कॉम्पोजिशन हैव रिलीज ऑन टी सीरीज, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। सो दैट इट इज अ पेनफुल लव थीम एक्चुअली। आगे बढ़ो, क्या कहना चाहेंगे, क्या थीम है ये गाने की, और आपने आपने लिखा भी है? हाँ, ये मैं खुद लिखी हूँ एंड दूसरा कोई मुझे थोड़ा हेल्प भी किया है लिखने के लिए, बट इट इज़ टोटली कंपोज बाय मी आफ्टर लॉन्ग वेटिंग। इट हैज़ रिलीज फ्रॉम टी सीरीज लेवल ऑफ टी सीरीज, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे। टुडे इज़ द वेरी हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। इट इज पेनफुल लव सॉन्ग, मेलोडियस गजल टाइप। Painful क्यों है? Painful actually, I have a little pain on my heart. That's it is expression of my heart and love expression. It is painful. आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या हो, क्लासिकल सिंगर हो, actually कितने सालों से आप हो, कितने एल्बम्स के पहले आपने कर चुके हो? This is not very first album. I have started from 2019. I have started my own composition creation. My first creation is Om Namah Shivaya. It has released on my own channel, YouTube channel. After that, I so many create my own composition in every occasion: Eid, First New Year, Happy New Year, Diwali, Durga Puja, Shivratri, Holi, and Love Day. But I'm not a music director. I was a playback singer, but many years I struggled in here and struggled with the many problems, but I never lost my faith and my confidence. I always faith on the God and me also, my confidence also have, and I always believe my Almighty God. That's why before that I have sang also on T series Venus, Wings, Sarigama Chambi, and with great playback singers also like Anup Jalota sir, Vinod Rathod, like etc. फिल्मों में अमिताभ बच्चन सर के साथ एक गाना गाई थी, अमिताभ बच्चन सर का ये होली सॉन्ग था, इतना सा होली सॉन्ग डायरेक्टेड बाय अभिषेक चड्ढा। सो लॉन्ग बिफोर 10 years बैक। एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी अ प्लेबैक सिंगर, फेमस प्लेबैक सिंगर, and want to do work with many famous music director. That is my ambition. Yeah. Or ये audio है या इसको? This is audio. After that maybe maybe shooting also going on. Maybe it has. इसका video बनाओगे? Video बनाओगे? Video बनाओगे? Video. कौन favorite singer है आपके? My favorite singer Asha ji and Lata ji. And other singer also, I like every moods of song, every melody song, pop song, ghazal, different kind of melody, different type of pop, I like. आपको बंगाल से है शायद, थोड़ा बताएं आपको? हाँ, आई एम फ्रॉम कैलकटा बेसिकली। वहाँ म्यूजिक का काफ़ी ये रहता है। माय मदर आल्सो प्ले आल्सो सी वाज प्लेबैक सिंगर. She had many HMB record. और कंपोजर कैसे बने आपको? जैसा आपने कहा है बहुत सारे गाना गा रहे हैं। जी जी। और आप लिखते भी होंगे गाना वगैरह? जी, मैं बिफोर दैट मैं जो कंपोजिशन सब मैं नहीं लिखी हूँ,
मैं खुद का चैनल में डालती हूँ अपना हर ऑपरेशन में। किन के साथ कुछ काम करना चाहते हो प्लेबैक सिंगर, जैसे आपके कोई खास सिंगर? मेरा फेवरेट तो है, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर है जैसे प्रीतम दा, अनु मलिक सर, हाँ, ए आर रहमान सर, सब काम करना चाहती हूँ उन लोग के साथ। जतिन ललित ऑलरेडी मुझे एक गाना गवाए थे, ऐसा मेरा एम्बिशन है। फिर मैं काफ़ी लोग मुझे वादा भी किया है, दे प्रॉमिस टू मी टू गिव वर्क। इसके बाद मैंने एक मॉडर्न लव करके एक सॉन्ग बनाई, इम्प्रेस्ड बाय हॉलीवुड सुपरस्टार जेनिफर जी एंड शकीरा जी। अभी टी सीरीज से रिलीज हुआ, टी सीरीज बिग कंपनी, हाउ हैप्पी यू आर? आई एम वेरी हैप्पी। बाद में जो और एक गाना जो बनाऊंगी वो शायद टी सीरीज या जी म्यूजिक का बात चल रही है, टी सीरीज में भी हो सकता है। ये वीडियो बनेगी, मैं खुद ही डांस करूँगी। मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, भरतनाट्यम सीखी हूँ मैंने और बॉलीवुड डांस भी करती हूँ। हाँ, शोज तो हर सिंगर के साथ भी की हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की हूँ। Wish you all the very best. आगे की प्लानिंग भी है आपके। Bless all my friends and sir. Thank you. Of the juice product in the market, whatever product you take, the juices, you will have sugar, you will have chemical, and this is being processed somewhere, you know, in the with the chemicals and the colors. This is the natural juice we are providing with the without color, without sugar and without chemical. This is completely different from the other products we have in the market. Out right from the, you can say the fruit market, you can say. आपसे इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज होते हैं, डिफिकल्टीज, परेशानी, सब कुछ होती है। मैं कमिंग आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन एंड ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू दी पीपल हु विल बी यूजिंग योर ब्रांड, टेल अस समथिंग। सी हम लोग जो है ना, देखो मार्केट में जो मिल रहा है ना, जूसेस तो मिल रहे हैं, बट जूसेस के नाम से पानी, केमिकल और ये सारी चीज़ें मिल रही है। बट हम लोग है जो 100% जूस लाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही कम मिल रहे हैं और जो भी मिल रहा है बहुत हायर रेंज और प्राइस में मिल रहा है, जो एक नॉर्मल पीपल के लिए आज के डेट में कंज्यूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एक केमिकल वाला अगर जूस पीते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, आज के डेट में अगर मान लो हम लोग स्कूल में बच्चों को भेजते हैं या मान लो हम लोग नॉर्मल जर्नी करते हैं तो बहुत सारे एनर्जेटिक चीज़ें जो हम लोग को मिल नहीं पाते ड्यू टू द टाइम, ऑफिस में भागा दौड़ी बोलो या बच्चों की स्कूल बोलो। तो हम लोग एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट में आना चाह रहे हैं कि जिसमें इजी टू कैरी, इजी टू ड्रिंक, जो 100% जो फ्रूट की स्वीटनेस है वही उसकी स्वीटनेस है, नो शुगर, नो ग्लूटेन, 100% नेचुरल। और भी उसके बहुत सारे गुण हैं जो फ्रूट्स के अपने नेचुरल्स होते हैं जो बॉडी को हीलिंग करते हैं, तो इस टाइप का इनफैक्ट जेस मीन्स द हीलिंग, सो वी आर कमिंग विद द नेम जेस फॉर दैट ओनली। और नहीं हम लोग ने अभी सैम्पलिंग करवाया, क्योंकि अभी तक हम लोग ने किसी को करवाया नहीं है, बट देयर इज़ अ सैम्पलिंग एज वेल वी आर डूइंग अप। तो जब जितने भी लोग हमने अभी तक ट्राई किए सबका रिस्पांस यही आया है कि इसमें एक नेचुरल जो चीज़ें होती है फ्रूट्स के जो अपने गुण होते हैं वही है, इसमें कोई एडिशनल केमिकल फील नहीं होता है। जैसे कोई सिरप मिला देते हैं या मान लो कोई शुगर मिला देते हैं, अभी मान लो शुगर फ्री एक चीज़ होती है जैसे आप देख रहे हो, तो शुगर डालने से क्या होता है शुगर वाला आदमी कंज्यूम नहीं कर पाता है, बट हम लोग अगर नेचुरल स्वीट उसका रखे तो इवन दैट पीपल कैन ड्रिंक दैट दैट जूस। तो अभी तक तो रिस्पांस पॉजिटिव ही आया है, देखते हैं अभी आगे। आपका जो एक हिस्ट्री है वो काफ़ी बहुत सारे कर चुके हैं और उसका पार्ट हो गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या सोच के आपने इसमें? टू बी फ्रैंक दिस इज द कंप्लीट ब्रेन चाइल्ड ऑफ माय and we have doing lot of things since 2007, but this is one of the new venture we are doing. You see, you said the comfort zone se out aake nothing can be done, you stay in the comfort zone, you have to come out of the comfort zone. Let us see, this is something in India every 10 houses you will find 9 houses with a 20-35 people having the diabetic problem, so we are providing them something they can have some soft drink with energy without sugar. I think this would be very beneficial for the diabetic patient who is found everywhere in India, in every household. That's what we are trying to do, something different
something else.